हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सॉल्यूशन। कंप्यूटर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लें और मेरी न्यू वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लें। आज हम आपके साथ शेयर करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कुछ सिंपल फॉर्मूले, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, उसी प्रकार के आज हम एक्सेल में करेंगे इनको सबको। आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ नॉर्मल बातें बताते हैं हम। इसकी एक्सेल की एक एक्सटेंशन फाइल होती है, वो फाइल कौन सी होती है हमारी, डॉट xcl। ये हमारी क्या होती है, एक्सटेंशन फाइल होती है एमएस एक्सेल की। ये देखिए, आपको ये सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है एमएस एक्सेल की, ये क्या है हमारी वर्कशीट जिसमें हम कार्य करते हैं। और ये देखिए, आपको यहाँ 1, 2, 3 काउंटिंग दिखाई देंगे, ये क्या है हमारे रो, इन्हें क्या कहते हैं हम रो। और एमएस एक्सेल में एबीसी जो दी होती है, ये क्या कहते हैं हमारे कॉलम। तो हमारे टोटल रो कितने हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे, जो हमारा 1 है वहां कर्सर रखेंगे। हमें जैसे टोटल रो चेक करने हैं, इसमें टोटल रो कितने हैं। अब जैसे फर्स्ट पे क्लिक कर लिया हमने, और अब इसे हम स्क्रॉलर बार से अप डाउन करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा पहुंचने में, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके शॉर्टकट की का यूज करेंगे। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। ये देखिए, कंट्रोल प्लस डाउन एरो क्लिक किया तो ये देखिए हमारे टोटल रो आ गए। टोटल रो कितने हैं, 10,48,576। टोटल प्लस अप एरो करके हम वापस ऊपर आ गए हैं कर्सर। इसी प्रकार हमने कॉलम चेक करने हैं, तो कॉलम में आपने ये देखे एबीसीडी से देखा हुआ कॉलम, तो हमारे अल्फाबेट कितने होते हैं, A to Z तक होते हैं, लेकिन एक्सेल में इस प्रकार नहीं होते। एक्सेल में A to Z से ज्यादा होते हैं। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं आगे का। Z तक तो हमारे यहाँ अल्फाबेट क्लोज हो जाते हैं खत्म, लेकिन एमएस एक्सेल में ये A से दोबारा से स्टार्ट होता है, A के साथ A, फिर AB AC इस टाइप से स्टार्ट हो जाता है, फिर B से स्टार्ट हो जाते हैं। एमएस एक्सेल में इस प्रकार होते हैं। इसमें भी इस प्रकार हम जैसे किसी भी कॉलम में हमारा कर्सर रख लिया, कंट्रोल राइट एरो पर क्लिक करेंगे, पर हम कॉलम के लास्ट सेल तक पहुंच जाएंगे। देखिए, अब हमें इनका रो और कॉलम के टोटल का पता करना, तो किस प्रकार करेंगे। ये देखिए, आपको यहाँ 1 और A के बीच में यहाँ एक बॉक्स दिखाई देगा, हम उस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, क्लिक कर लिया तो उसमें आ गया, ये देखिए हमारे रो कितने हैं, 10,48,576 और इंटू 16,384 C। ये क्या हमारे कॉलम, R से रो और C से कॉलम। हम जिस बॉक्स में हमारा ये कर्सर रखते हैं, ये देखिए, ये आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये क्या हमारा सेल, CELL सेल, इसे क्या कहते हैं सेल। अब हम फॉर्मूला टाइप करने के लिए यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये इस टेबल से स्टार्ट, सेल से स्टार्ट कर लेते टेबल हमारी। ये देखिए, हमने एडिशनल के लिए एक टेबल बना लिया। अब इनका हम जोड़ कर लेते हैं, तो इनका एडिशनल करने के लिए क्या करना है, इन दो सेल्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ देखिए, आपको होम में ऑटो सम दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा टोटल हो गया। आप टोटल इस तरह एक एक करके भी ऑटो सम करके कर सकते हैं। दूसरा, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको यह एक बिंदु दिखाई देगी, ये देखिए इस प्रकार, फिर हमारे प्लस का निशान आ गया, इससे हम कर्सर को नीचे की तरफ करेंगे,
तो फिर हमारा सभी का टोटल आ जाएगा। ये देखिए ने क्या फॉर्मूला लगा रखा है, यहाँ शो हो रहा है हमें। अगर ये फॉर्मूला हमें इसमें पता लगाना है भाई, यहाँ पे जो लगा रखा है कौन सा फॉर्मूला, तो इसके लिए क्या करेंगे, F2 प्रेस। ये देखिए इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा रखा हमने। तरीका बताते हैं टोटल करने का, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे हम इक्वल टू। अब ये जैसे ये लेना है, इस सेल पे क्लिक करेंगे तो इस सेल का नंबर आ गया E6, फिर प्लस का निशान, फिर इसे प्लस करेंगे, ये आ गया ये वाला सेल, और एंटर प्रेस। ये देखिए इन दोनों का टोटल हो गया, एक हमारा ये तरीका हो गया और एक हमारा ये तरीका हो गया। एमएस एक्सेल में आप टोटल यहाँ भी यहाँ से भी कर सकते हैं। आप ऑटो सम में यहाँ एरो का निशान दिखा दे रहा है, वहाँ क्लिक करेंगे और मोर फंक्शन में क्लिक करेंगे। इसमें ये देखिए सभी फॉर्मूले दे रखे हैं, कई फॉर्मूले। इसमें देखिए हम सम फॉर्मूला देता है, उस पर क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। ये देखिए हमने ओके प्रेस कर दिया। अब ये देखिए यहाँ क्या आ गया नंबर वन, देखिए यहाँ दिखा रहे हैं सब में नंबर वन नंबर टू। नंबर वन में हम जैसे जिसका टोटल करना है वो सेल ले लिया, इसी प्रकार नंबर टू में ये सेल ले लिया और ओके पर प्रेस कर दिया। तो ये देखिए क्या आ गया हमारा 200। करते हैं हम सब्ट्रैक्शन के, हमने एडिशनल कर लिया। एडिशनल करने के लिए हमने ट्रिक बता दिया, आप यहाँ ऑटो सम से भी कर सकते हैं और फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमें फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, इसमें ऑटो सम में नहीं दिया होता सब्ट्रैक्शन का। करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे जो सेल है उस पर क्लिक करेंगे, ये सेल वाला आ गया F30, फिर माइनस फिर परचेज वाला सेल ले लिया, क्या गया E30, और एंटर प्रेस कितने 0, 100 में 100 माइनस किए 0। इस बॉक्स में जो फॉर्मूला लगाया है, ये देखिए ये हमारा फॉर्मूला लगा था। अब इसी फॉर्मूले से हम सभी को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और इस कर्सर से नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। ये देखिए ये आ गया इनका सबका माइनस। ये देखिए यहाँ पे क्या है -600 क्यों आया, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लगा रखा है, हमने फॉर्मूला क्या लगाया इक्वल टू F30 माइनस E30 लगाया था, तो इसका मतलब F माइनस E किया था तब ये हमारा माइनस में हो गया। फॉर्मूला जो लगाया है वो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जैसे हमने सेल में रख लिया और F2 प्रेस कर दिया। ये देखिए हमने जो फॉर्मूला लगाया वो शो हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन, इसका भी ऑटो सम में नहीं दिया होता, इसके लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे। हमेशा फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं हम इक्वल टू प्रेस करते हैं, और अब हमें जैसे 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अब चाहे 1000 को 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार ले सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया और जो हमारे कीबोर्ड में स्टार का निशान दे रखा वो मल्टीपल का निशान है, ये देखिए फिर हमने ये सेल ले लिया और एंटर प्रेस कर दिया। ये देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। इस प्रकार एक एक करके भी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, और इस डॉट पे कर्सर रख के इसको अप डाउन करके भी कर सकते हैं। ये देखिए सबको हो गया मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिवीजन, भाई डिवाइड किस प्रकार होता है, ये भी ऑटो सम में नहीं दिया हुआ, इसमें भी हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू प्रेस
फिर हमने ये सेल ले लिया, ये क्या है G81, फिर डिवाइड फिर इस प्रकार क्वालिटी के भाई कितने, ये इससे इसका वन आइटम का पता चल जाएगा हमें कितने का है। एंटर प्रेस कर लिया तो कितना आ गया 100। अब इसे इसे भी इसी प्रकार स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए सबका डिवीजन आ गया है। इस प्रकार आप कोई भी फॉर्मूला लगा के यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें और मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।